मैं यहां इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। मर गए। ये तो कंपनी की एनुअल मैगजीन है, इसमें तो डैड और मेरी तस्वीर छपी होगी। कहीं जया ना देख लिया ना तो मर जाएंगे। गड़बड़ गड़बड़। क्या हुआ जय, तुम क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो बाहर नौकरी ढूंढने के लिए जाऊंगा ना तो गर्मी बहुत है, तो हवा खाने के लिए काम आएगी ये। लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों? मैं? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? मैं ये मैगजीन छुपाऊंगा तुमसे? हाँ, अब इसमें क्या मेरी फोटोग्राफ छपी है जो मैं तुमसे छुपाऊंगा? तुम भी ना जया। अरे मिस पिंकी, आप जया, अरे उसमें कुछ इसीलिए तुम इस कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहते थे, मिस्टर जयवीर चोपड़ा। वैसे बात भी सही है, जिस कंपनी के तुम मालिक हो उस कंपनी में तुम नौकरी क्यों करोगे? जो इंसान दूसरों को इतनी नौकरियां देता हो वो नौकरी के बारे में सोचेगा भी क्यों? जय, मेरी बात तो सुन लो। क्यों, और कुछ कहना बाकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है जय, इतना बड़ा झूठ? जया, मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, मैं प्यार को पाने के लिए किया। वो प्यार ही क्या प्यार जय, जिसकी नींव एक झूठ पे टिकी हो। तुम्हें क्या लगा कि अब तो मेरी शादी हो गई है, अगर जया को सच्चाई का पता चल भी जाए तो वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी? शायद तुम भूल गए कि मैं ललित राव लोखंडे की बेटी हूं और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जय कि मुझे आधी रोटी चल जाएगी, लेकिन आधा झूठ और आधा सच मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जय, मेरी बात तो सुन लो। नहीं देखो, मैं अब जो भी बातें होंगी ना वो फैमिली कोर्ट में होंगी। जया, जय, तुम प्लीज इतना टेंशन मत लो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा मैगजीन नहीं मिली? हाँ नहीं, अच्छा वो नौकरी नहीं मिली मुझे यहाँ इस कंपनी में, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से चलो ना, मुझे बहुत घुटन हो रही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ रही हूँ, अच्छी जगह नहीं है, प्लीज जल्दी चलो। चलो चलो, हाँ इस तरफ जाओ जाओ जाओ। ये पिंकी से कहना पड़ेगा, ये सारी रिस्की चीजें ना कहीं छुपानी पड़ेगी उसे। सुधाकर नाम मानने वाला नहीं है, क्या करूं उर्मिला, ये उठाकर उसके सर पे मार दूं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने का है। एक काम कर, ये फूल लेकर जा और उसको बोल दरवाजे पे लगा दे। हा? कौन से दरवाजे पे? बाथरूम के दरवाजे पे। ठीक है, एक बकली तेरे को बाथरूम में बंद कर देगी मैं। अच्छा वैसे? हाँ, चल ना अभी जा। सुधाकर, वेरी गुड, ये क्या किया तुमने? माँ जी आप गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या गलती हो गई, माफ कर दीजिए, जल्दी से उठा नहीं तो मैं लोखंडे जी को बोल दूंगी। बोलू बोलू लोखंडे जी? एक मिनट में ज्ञानचंद जी से बात करके उठा। ठीक है, मेरे एक मिनट उठा के बात करूंगा। ऐसा
दो, तुमसे नहीं होगा, रहने दो। थैंक यू माँ जी। कहीं के आखिर तुमने मुझे सूक्ष्म अवस्था से इस अवस्था में ला के छोड़ा ना बेवकूफ। क्या हो गया ज्ञानचंद जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे बेचारे बहुत दूर निकल गए होंगे और इसने डिस्टर्ब करके उनको वापस बुला लिया। क्या सुधाकर भैया, आपने चाचा जी को टाइम से पहले क्यों उठा दिया? नहीं नहीं, वो तो टाइम पे आ गए थे, है ना ज्ञानचंद जी? नहीं, अभी अभी हम अंतरिक्ष में ग्रह दशा ठीक कर रहे थे, लेकिन आपके सुधाकर ने बीच में आके हमें जगा दिया और मेरा काम चौपट कर दिया, मूर्ख ग्रह कहीं का। लेकिन ज्ञानचंद जी, ग्रह तो अपनी दिशा में भ्रमण करते रहते हैं, हम कैसे उनकी दिशा बदल सकते हैं? तो फिर लोग हाथों में अंगूठियां क्यों पहनते हैं लोखंडे जी, बताइए। हाँ, ये भी सही है। लेकिन ज्ञानचंद जी, आप कश्मीर तक जाते थे पता है, लेकिन अंतरिक्ष में भी चले गए? अरे कोई इन्हें बताएगा क्या? बताती हूँ भाई साहब। बहन जी, भाई साहब, कभी आप भी बताएंगे ना, चलेगा मुझे? वो क्या है, माँ बापू जी है ना, कभी कभी अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। अब कल ही की बात है, वो चांद पर गए थे। क्या चांद पे चले गए थे? हाँ, चांद पे पहला कदम किसने रखा था? वो नीलेश, कौन था रे नीलेश? नील। हाँ, नील आर्मस्ट्रांग। हाँ, और दूसरा कदम आपने? नहीं, उसी ने रखा था गधे। ऐसे ऐसे करके थोड़ी जाएगा बेवकूफ। हाँ, लेकिन आप चांद पर क्यों गए थे? ये देखने के लिए कि चांद पे ज्यादा गड्ढे हैं या मुंबई के रास्ते पर। छोटू बहुत सही। अच्छा, यानी समाज कार्य के लिए गए थे। हाँ माँ बापू जी, आप सचमुच कितने महान हैं। छोटू, अब हमें अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारनी है। कौन सी? हम वापस से अंतरिक्ष में जाएंगे और सुधाकर की राशि में जाकर उसकी ग्रह दशा बदल देंगे और सुधाकर की दशा को दुर्दशा में बदल देंगे। नहीं माँ बापू जी, नहीं, आप मेरे ग्रहों की दुर्दशा मत कीजिए। स्थित प्रज्ञ अवस्था में तो क्या, जिस भी अवस्था में आप रहेंगे ना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, उठो सुधाकर बेटा, इसको लेके जाओ। ओ ज्ञानचंद, ये तेरा एक पुतले वाला पैतरा रिस्की था, लेकिन काम कर गया है। अब फटाफट खुद ही से नारियल ले ले और ये पूरा काम खत्म कर। अरे अंकल, पहली बार शादी हो रही है, थोड़ा वट तो दिखाने दो थोड़ा। रहने देना भाई, तेरे अच्छे ग्रहों की वजह से तेरा ये काम हो गया है, अब ज्यादा फुदक मत, कहीं अटक जाएगा ना तो हमको भी साथ में लेकर डूबेगा। अरे अंकल, टेंशन मत लो आप, पता है जैसे ये आइडिया सॉलिड था ना, वैसे मेरी शादी भी सॉलिड होगी। देखना, पूरी दुनिया देखेगी मेरी शादी। Enough dad, enough। अब बहुत हो गया डैड, अब तो डर लगने लग गया डैड, आज तो मेरी जान गले में आ गई थी। नो, इतना प्रेशर, ये लॉस, और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, इनफ। कम ऑन जय, तुम इतने अमीर हो और किसी की 150 करोड़ के लॉस के लिए इतनी टेंशन ले रहे हो? डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरा नाम है माल पानी। जितना समंदर में पानी नहीं उतना माल है तेरे पास। करेक्ट, पता है भाई। भाई How dare you call me by? तुम्हें पता मैं कौन हूँ? पता मैं कौन हूँ? ये अपना डायलॉग खत्म करके ही रहेगी। मेरा नाम है माल पानी। जितना समंदर में पानी नहीं उतना माल है मेरे पास। सुन लिया? और तुम मुझे बाई बोल रही हो?
दिल करता है तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट में लेके जाऊं और पैसिफिक ओशन में डुबा दूं। अगदीवा, इतनी महंगी सजा? करा दे, disgusting। उर्मिला, प्लीज बंद करो यार, तुम लोग क्या? सॉरी सॉरी भाई, सॉरी मालपानिया, वो क्या है ना कि मैंने तेरे को भांडी वाली बाई बाई नहीं बोला। जैसे अंग्रेजी में मैडम होता है ना, वैसे मराठी में बाई बोलते हैं, समझी क्या बाई? तुम लोगों का खत्म हो गया? फिर सुनो जय क्या बोल रहा है, प्लीज सुनो। ये प्रवचन थोड़ी दे रहा हूँ, सुनो जय क्या बोल रहा है डैड। ये बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, जय और मेरे रिश्ते को लेकर डर लग रहा है। अगर हमारे रिश्ते में हमारे झूठ की वजह से एक छोटी सी दरार भी आ गई ना, तो उसे बहुत बड़ा गड्ढा बनने में टाइम नहीं लगेगा। दरार? क्रैक। How dare you call me crack? क्रैक मतलब दरार रे। Forget it, Dad। आज जया ऑफिस में आई थी, बता नहीं सकता हूं मैं आपको, हाथ पैर ऐसे ठंडे हो गए थे, कांप रहा था मैं। देखो मिस काली, अभी तक शौक से बाहर नहीं आई है। You're right, बेटा, हमें सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। तुम्हें और केके को ऑफिस में जया को संभालना है, और यहाँ हम तीनों दीपक और ज्ञानचंद के लफड़े में फंस गए हैं। वैसे लोखंडे जी को ज्ञानचंद और दीपक हमने साथ साथ में दिखा दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हाँ जय भाई, इस बार ना दीपक ने हमको सॉलिड चिमटे में फंसा दिया है और अपन सब लोगों की वाट लग गई ली है। बस एक बार ज्ञानचंद जी से दीपक को नारियल और 125 रुपया दिलवाकर उसकी शादी सुषमा से करवाकर लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। Exactly. मुझे पता है बेटा, तेरा दोस्त है, मेरे लिए तुम मेरे बेटे जैसा है। गुस्सा करना रह गया था। अरे जया को घर से नहीं, ऑफिस, ऑफिस की नौकरी से जया को निकालना पड़ेगा। Wow. हाँ भाई, क्या आइडिया है, मस्त। That's a good idea बेटा, that's really a good idea। काका, क्या बोलते हो? हंसते बोल रहा। क्या बोलते हो? क्या? ये ज्ञानचंद जी कहाँ यात्रा कर रहे? तो पिछली बार तो भारत को अंग्रेजों से आजादी देने के लिए ये वहां लड़ने के लिए गए थे। हाँ। यहाँ क्या? हाँ? तुमने उन्हें जगा दिया, तो तुम्हारी वजह से भारत गुलाम बन गया ना। काका याद है मुझे, बार बार आप ये याद दिला के ना मुझे बुरा महसूस करवाते हो। अभी कहाँ होंगे? शायद सतयुग में होंगे। रावण को समझा रहे होंगे कि बेटा रावण, ये गलती मत कर, और ऐसे ही करता रहेगा तो फिर फटके पड़ेंगे, ऐसा कुछ होगा। वो सतयुग की भाषा, रावण की भाषा, ये हम क्या जाने हैं। तो चुप बैठना जरा। हाँ लोखंडे जी, यवतमाल में आपका एक खेत है, आपकी एक गौशाला है, और शांता भाई क्या साफ सफाई वाली? हाँ वो। लेकिन माँ बापू जी, इतने कम समय में आप यवतमाल जाके ये सब देख के भी आ गए? नहीं, आज सुबह ही आपके गांव से पोस्ट कार्ड आया था, तो वो हमने पढ़ लिया। देखिए लोखंडे जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि महासंस्कारी दीपक और सुषमा की शादी के लिए आपको ये सब नहीं बेचना पड़ेगा। माँ बापू जी, वो काका ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने अगर आप दीपक को 125 रुपया और नारियल दोगे तो ही काका सुषमा दीदी की शादी दीपक से करवाएंगे। हमें पता है सुधाकर बेटा, इसलिए
ये शुभ कार्य करने के लिए हमने कल का दिन सुनिश्चित किया है और कल ही आपके सामने आपके शर्त के अनुसार दीपक को नारियल और 125 सौंपेंगे। लेकिन ज्ञानचंद जी, कल का दिन अच्छा नहीं है, वो ग्रहों की अवस्था ठीक नहीं है। घंटा दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा हम साधना करते हैं। अच्छा, ऐसे ही हमारा ज्ञानचंद जी महाबापू नाम नहीं पड़ा है लोखंडे जी। कल हम ग्रहों की दिशा बदल देंगे और सारे ग्रह हमारी मुट्ठी में होंगे, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर दीपक को नारियल और 125 देते वक्त हम स्थिर अवस्था में चले जाएं, तो हमें जगाइएगा मत। लेकिन आप ऐसे ही बीच में चले जाएंगे? हाँ लोखंडे जी, हम सूक्ष्म रूप से यात्रा में रहेंगे। आप दीपक को नारियल और 125 तो देंगे ना हमारे सामने? अवश्य, आंखें खुली रखना और मुंह बंद, उस शुभ घड़ी के साक्षी आप दोनों ही होंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा लोखंडे जी, जैसे कि हमने कहा कि दीपक को नारियल और 125 देते वक्त हम स्थिर अवस्था में चले जाएं, तो हमें जगाइएगा मत, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद सुषमा का विवाह नहीं होगा। नहीं नहीं ज्ञानचंद जी, हम आपको कभी नहीं जगाएंगे। तो ठीक है, आप लोग उठिए और विवाह की तैयारियां कीजिए। नहीं 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 सर, मुझसे नहीं होगा सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सदाशिव, सदाशिव तुम डरे हुए पैदा हुए थे या पैदा होने के बाद डर गए हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरी शादी को बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। इसलिए सदाशिव सुनो, सुनो ध्यान से सुनो। कुछ मत सुनाओ सर, मुझे कुछ मत सुनाइए सर, वो आपकी बीवी है सर, मैं उनको कैसे निकालूं? मैं खुद यहाँ काम करता हूँ, 15 रुपए मुझे परवरते नहीं है, और मैं अपने बॉस की बीवी को निकाल दूं? नहीं होगा सर, ये मुझसे नहीं होगा। अरे सदाशिव मेरी बात को सुनो, तुम मेरी बीवी को नहीं निकाल रहे हो, वो जयवीर चोपड़ा की बीवी नहीं है, वो जय चोपड़ा की बीवी है। पर वो तो आप ही है ना सर। अरे मैं जयवीर चोपड़ा हूँ। तो वो तो अब मैं हूँ ना। अबे गधे, तू जयवीर चोपड़ा बना है? हाँ। ये असली जयवीर चोपड़ा है। तो मैं कौन हूँ? अरे जयवीर चोपड़ा। तो मैं क्या नहीं हूँ? मेरी तरफ से उल्लू को बटे, कौन हूँ मैं? सदाशिव। मैं सदाशिव, तो तुम कौन हो? मैं जय चोपड़ा। तुम जयवीर चोपड़ा हो, जयवीर चोपड़ा, समझ में आई ये बात? मैं नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, ये लड़की नहीं है, मैं लड़की हूँ, ये टेबल नहीं है, ये शीशा नहीं है, वो छत नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, मैं कौन हूँ मैं, मेरे कौन हूँ मैं? पागल है क्या? नहीं होगा इससे, ये इस बच्चे के गधे से बिल्कुल भी कुछ नहीं होना। क्या बोल रहे हो? अरे गधे के बच्चे से कुछ भी नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या करें क्या करें? का पेट थोड़ा अंदर लीजिए ना, देखना है। गलत है, सब गलत हो रहा है। लोखंडे जी, हाँ? ये हवन कुंड तो सही है ना? हाँ? नहीं, क्या है कि सगाई में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ठीक है। चाकू या एक तलवार मिलेगी क्या? लगता है आज सुधाकर की पिटाई होगी। काका एक चीज तो मिल ही जाएगी। हाँ। क्या काम है?
जान लेनी है तुम्हारी, जान लेनी है। ये नारियल और 125 रुपए की तरकीब तुमने बताई थी ना मुझे, लेकिन उस तुम्हारी तरकीब की वजह से मेरी सोने जैसी बच्ची, मेरी सुषमा का हाथ मुझे उस निकम में नकारा दीपक के हाथ में देना पड़ रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.